90% पंजाब की जी ओबीसी समाज है वह कितने ना कि खेती के कित्यां नाल ते खेती के धंधियां नाल जुड़ी हुई है। बहुत सारी रामगढ़िया बरादरी जो है वो ऐसी इन्नी काबिल है कि वह बहुत सारे हजारा लोगों को काम देंदे है। इत्थे कल्ला जिहड़े बार्डर ते बैठे किसान उज कल्ले किसान नहीं, उज सारे वर्गों के लोग है। जे खेती के कानून लागू हो गए तो सर वह भी बिच ही मारे जाएंगे। इस करके मैं कहना स्परे पत्तियां ते कर रहे हो, स्यौक जड़ां दे विच है। खेती कानून वापस लो तां असली ओबीसी नूं खुशी मिलेगी। खेती दे कानून वापस लेके जे सच्ची मुची ये बीजेपी सरकार ओबीसी नूं खुश करना चाहती है, कल्लियां यूपी दीआं वोटां करके ना करो। मैं दुआ करदा हर साल यूपी दीआं वोटां आया करन तां कि गरीबां दा भला हो सके, पर किसानां वाले कानून वापस लेके ओबीसीआं नूं ते किसानां नूं ते हर वर्ग नूं खुश करो। संविधान सोध की जे चर्चा चल रही है बिल ते मैं ये समर्थन दे विच खड़ा होया। जदों भी कोई एहोजा बिल एहोजा कानून भारत की सरकार लेके आऊ जिदे नाल गरीबां दा दबे कुचलियां दा आम लोगों का भला हुंदा होवे आम आदमी पार्टी हमेशा नाल खड़ूगी। असी सिर्फ विरोध करन वास्ते विरोध नहीं करते, जे कोई चंगा काम करूगी सरकार तो असी अपना पॉइंट जरूर रखांगे। मेरे एक दो पॉइंट ने सर, आज़ादी तो मिल गई 15 अगस्त नूं 74वीं वरेगंढ मनावांगे, पर हजे तक सानू मानसिक आज़ादी, हजे तक साढ़े लोगों नूं आर्थिक आज़ादी विद्यक आज़ादी नहीं मिली। जे आज़ादी सच्ची मुची मिली होंगी तो सरकारी स्कूलों चो गरीबों के बच्चे पढ़ के DC बन जाते, अफसर लग जाते। जे आज़ादी सच्ची मुची मिली होंगी तो कोर्टा कचहरिया थाणिया च बिना करप्शन तो बिना कितने सिफारिशों तो कम होंगे। सर ओबीसी की जो गल है पंजाब की, जे मैं गल करा तो 90% पंजाब की जी ओबीसी समाज है वह कितने ना कि खेती के कित्यां नाल ते खेती के धंधियां नाल जुड़ी हुई है। मैं एग्जाम्पल दे दिना, बहुत सारे साढ़े MP जानते भी होंगे, नाभा दे विच जोड़ी है ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, कंबाइन इंडस्ट्री है, प्रीत ट्रैक्टर है, दशमेश कंबाइन, बलकार कंबाइन, सोनालीका स्टैंडर्ड, बहुत सारी रामगढ़िया बरादरी जो है वो ऐसी इन्नी काबिल है कि वह बहुत सारे हज़ारा लोगों को काम देंदे है। पर सर जे कि जिस तरीके नाल क्योंकि खेती नाल जुड़े हुए है, इत्थे कल्ला जिहड़े बार्डर ते बैठे किसान उज कल्ले किसान नहीं, उज सारे वर्गों के लोग है। जे खेती के कानून लागू हो गए तो सर वह भी बिच ही मारे जाएंगे। इस करके मैं कहना स्परे पत्तियां ते कर रहे हो, स्यौक जड़ां दे विच है। खेती कानून वापस लो तां असली ओबीसी नूं खुशी मिलेगी, तां असली जिहड़े लोगों नूं वह खुशी मिलेगी कि असी जिहड़े धंधे नाल जुड़े हुए हैं वह धंधा खत्म नहीं हो रहा, नहीं तो सब कुछ ही खत्म हो जूगा। सर मैं यही कहना चाहना, सर खेती के कानून वापस लेके जे सच्ची मुची ये BJP सरकार ओबीसी खुश करना चाहती है, कल्लियां यूपी दीआं वोटां करके ना करो। और मैं दुआ करदा हर साल यूपी दीआं वोटां आया करन तां कि गरीबां दा भला हो सके, पर किसानां वाले कानून वापस लेके ओबीसीआं नूं ते किसानां नूं ते हर वर्ग नूं खुश करो।